तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आकाश के ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग मशीन, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राइंडिंग मशीन का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ग्राइंडिंग मशीन का, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे ग्राइंडिंग मशीन की कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, एंड देन लास्ट में हम जो देखेंगे उसके कि ग्राइंडिंग मशीन के कौन कौन से कॉमनली जो ऑपरेशन होते हैं परफॉर्म करे जाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है। तो ग्राइंडिंग मशीन जो होती है आपकी एक सरफेस फिनिशिंग मशीन होती है, जिसके अंदर हम को अगर पॉलिशिंग करनी हो या छोटे से अमाउंट में किसी वर्क पीस से या जॉब से हमको मटेरियल रिमूव करना हो, तो उस केस में हम जो है ग्राइंडिंग मशीन का हेल्प लेते हैं, जो कि छोटे छोटे अमाउंट्स में, छोटी छोटी चिप्स में मटेरियल को रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ग्राइंडिंग मशीन की बात। अब बात करते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बेंच ग्राइंडर का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लगा रहता है स्विच, इसके थ्रू हम जो अपने ग्राइंडिंग मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लगा रहता है आपका एक टूल रेस्ट। टूल रेस्ट का क्या फंक्शन होता है कि टूल रेस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को या जो भी जॉब जिसके ऊपर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको यहाँ पर रेस्ट करा सकते हैं, ताकि उसके ऊपर अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म करा जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फाइन व्हील लगा रहता है। फाइन व्हील क्या है, आपका एक एब्रेसिव पार्टिकल्स के थ्रू या एब्रेसिव ग्रेन के थ्रू एक व्हील तैयार करा जाता है बॉन्डिंग एजेंट के साथ मिलाकर। उस व्हील को हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं, जो कि एब्रेसिव ग्रेन से मिलकर बनाया जाता है। तो ग्राइंडिंग मशीन के अंदर हमारे पास दो टाइप के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, जिसमें से एक है हमारे पास फाइन व्हील और एक और व्हील होता है जिसका नाम मैं ही बताता हूँ। ठीक है, तो फाइन व्हील का काम क्या होता है। तो फाइन व्हील का काम जो है ये होता है कि अगर हमको पॉलिशिंग करनी हो, फिनिशिंग करनी हो, है ना, तो उस केस में हम क्या है फाइन व्हील का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक स्पार्क डिफ्लेक्टर लगा रहता है। इस स्पार्क डिफ्लेक्टर का काम जो होता है, जो भी स्पार्किंग जनरेट होगी ऑपरेशन के दौरान, तो उसको ये डिफ्लेक्ट करता है, ताकि ये आपकी आइज वगैरह में या फिर आपके कपड़े वगैरह पर ना गिरे। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन होता है स्पार्क डिफ्लेक्टर का। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक व्हील गार्ड भी लगा रहता है, ये व्हाइट कलर का। तो व्हील गार्ड का काम क्या होता है, ये आपके जो भी ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको गार्ड करता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो मैंने आपको अभी दूसरा व्हील का नाम बनाया, तो वो नाम था आपका क्वार्ट्ज व्हील। क्वार्ट्ज व्हील का काम क्या होता है, ये जो है आपका जनरली यूज करा जाता है जब आपको किसी वर्क पीस से या किसी जॉब के ऊपर से आपको थिन अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में मटेरियल रिमूव करना हो, या कहो तो आपने जो भी पार्ट बनाया उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी करनी हो, या पार्ट की जो डायमेंशन हैं उनको एक्यूरेट करना हो, तो वो है आपका क्वार्ट्ज व्हील के थ्रू किया जा सकता है। तो ये हो गए आपके ग्राइंडिंग मशीन के कुछ कॉमनली यूज होने वाले पार्ट्स उनके। अब बात करते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर राइट साइड में आपके पास यहाँ पर एक ग्राइंडिंग व्हील का डायग्राम है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो तो ये ब्लैक कलर का जो है आपका एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं। तो एब्रेसिव ग्रेन्स क्या होते हैं मैं बता दूंगा आपको। तो एब्रेसिव जो होता है आपका एक तरीके का हार्ड मटेरियल होता है, जो कि आपकी जो भी वर्क पीस होता है या जॉब होता है, जिस पार्टिकल से बना होता है या जिस भी मटेरियल से बना होता है, उससे हार्ड होता है, ताकि जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करा जाए तो होता क्या है कि आपके जो भी वर्क पीस है या जॉब है इसके ऊपर से हार्डनेस होने के कारण एब्रेसिव व्हील में वो मटेरियल को रिमूव कर देता है। तो ये इसलिए हम जो है एब्रेसिव ग्रेन्स का यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स को बनाने के लिए। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि एब्रेसिव व्हील्स जो होते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, या उसमें कौन कौन से मटेरियल थे, कितने टाइप के एब्रेसिव यूज़ करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर इस वीडियो में आए हैं, वो है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, कि ग्राइंडिंग व्हील का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है आपका हार्ड एब्रेसिव ग्रेन से मिलकर बनता है, उसी पे बेस्ड इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो होता क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो वर्क करता है उस प्रिंसिपल पर, जब वर्क पीस को हम फीड करते हैं, जो भी जॉब है हम उसको फीड करते हैं जो रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील है या एब्रेसिव व्हील है उसके अगेन,
होता क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, और कहूँ तो कि एब्रेसिव व्हील की हार्डनेस के कारण मटेरियल जो होता है वर्कपीस पे से वो रिमूव हो जाता है। तो ये हो गया आपका ग्राइंडिंग व्हील का वर्किंग प्रिंसिपल। और जो मटेरियल रिमूव होता है वो आपकी छोटी छोटी चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की ग्राइंडिंग मशीन जो हैं यूज होती हैं कॉमनली। एक है सबसे पहला हमारा इसमें बेंच ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर जिसका मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, जो कि एक बेंच पे लगा रहता है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ पोर्टेबल ग्राइंडर्स भी होते हैं जिसको हम कैरी कर सकते हैं कहीं भी। एंड देन हमारे पास है इंटरनल ग्राइंडर, जो कि आपके किसी भी पार्ट या वर्कपीस में जब हमको इंटरनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड देन हमारे पास सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स भी होते हैं कुछ, जो कि सिलेंड्रिकल जॉब्स के लिए यूज़ करे जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ सरफेस ग्राइंडर्स भी होते हैं। सरफेस ग्राइंडर का यूज़ जनरली हम फ्लैट सर्फेसिस के लिए करते हैं, जिसको मैं अभी आगे ऑपरेशन में बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास कुछ टूल एंड कटर ग्राइंडर्स होते हैं, जो कि अगर हमको कोई भी कटिंग टूल्स होते हैं या कटर्स होते हैं तो उनकी अगर हमको ग्राइंडिंग करनी होती है, उनको शार्प करना हो उनकी एज को, तो वहाँ पर भी हम ग्राइंडर्स का यूज़ करते हैं। तो उन ग्राइंडर्स को हम टूल एंड कटर ग्राइंडर्स कहते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ कॉमन टाइप्स के ग्राइंडिंग मशीन्स। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की, कि कौन कौन से ऑपरेशन जो होते हैं ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर परफॉर्म करे जाते हैं। जिसमें से फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा सरफेस ग्राइंडिंग। तो सरफेस ग्राइंडिंग जो है एक तरीके का ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम जो है फ्लैट सर्फेसिस की ग्राइंडिंग करते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा वर्कपीस जो होता है वो फीड होता है एक रोटेटेड ग्राइंडिंग व्हील के अगेन, जिससे क्या है कि फ्लैट सर्फेस जो होता है वर्कपीस का उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है और एक थिन अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव हो जाता है चिप्स की फॉर्म में। तो उस टाइप्स के ऑपरेशन को हम सर्फेस ग्राइंडिंग कहते हैं, जब हम फ्लैट सर्फेसिस की ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है हमारा सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या है, ये भी आपका एक ग्राइंडिंग ऑपरेशन है जो कि यूज़ करा जाता है कॉम्प्लेक्स शेप्स, और कहूँ तो कुछ सिलिंड्रिकल टाइप की शेप्स के या फिर वर्क पीस के लिए भी ये यूज़ करा जाता है। इसमें आपका एक ग्राइंडिंग व्हील होता है जो कि आप देख सकते हो, जो कि बड़ा वाला व्हील है जो रोटेट हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक रेगुलेटिंग व्हील होता है। ग्राइंडिंग व्हील का आप काम तो जानते ही हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इस ये जो है आपके वर्कपीस को ग्राइंड करता है, उस पर से मटेरियल रिमूव करता है। बात करते हैं कि रेगुलेटिंग व्हील का क्या काम होता है। तो रेगुलेटिंग व्हील जो होता है वो आपका जो वर्कपीस होता है उसके ऊपर प्रेशर मेंटेन्ड करके रखता है, ताकि आपको वर्कपीस की जो है अच्छे तरीके से ग्राइंडिंग हो सके। और जो आपका वर्कपीस जो होता है वो आपका एक वर्क रेस्ट के ऊपर टिका हुआ होता है, जिससे क्या है वो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है आपके वर्कपीस को, ताकि आपकी जो वर्कपीस है या जॉब है उसकी अच्छे तरीके से ग्राइंडिंग हो सके। तो ये हो गया आपका सेंटरलेस ग्राइंडिंग। उसके बाद देखते हैं हमारे पास थर्ड ऑपरेशन है, वो है हमारा सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या होता है कि हमारे पास सिलिंड्रिकल जॉब्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक सिलिंड्रिकल शेप का एक वर्कपीस है जो कि आपका चक में लगा रहता है और रोटेट होता है। अब हम क्या करते हैं कि जो सिलिंड्रिकल वर्कपीस है उसके ऊपर हमको ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो सिलिंड्रिकल वर्कपीस है उसके ऊपर हम ग्राइंडिंग व्हील को मूव करते हैं, और जो आपका ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट करता रहता है आपकी वर्कपीस की रोटेटिंग जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट, जिससे क्या है आपकी जो वर्कपीस है उसकी सरफेस फिनिशिंग हो जाती है और कहूँ तो ग्राइंडिंग हो जाती है ना। तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कहते हैं, जब हम सिलिंड्रिकल शेप की जो है वर्कपीस का यूज़ करते हैं या फिर उनकी ग्राइंडिंग करते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट ग्राइंडिंग ऑपरेशन है वो है हमारा इंटरनल ग्राइंडिंग। अब इंटरनल ग्राइंडिंग जो है ये भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इस टाइप के ग्राइंडिंग जो मशीन्स होता है उनका हम यूज़ करते हैं कुछ इंटरनल सर्फेसिस की ग्राइंडिंग करने के लिए। तो होता क्या है कि ये यूज़ होता है आपका कुछ सिलिंड्रिकल शेप्स के लिए, या कोनिकल शेप जो होती हैं, या कुछ अदर शेप जो होती हैं जिनके अंदर कुछ इंटरनल सरफेस हो या इंटरनल फेस हो, तो उनकी जब ग्राइंडिंग करनी हो तो हम जो है इंटरनल ग्राइंडिंग का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा जो वर्कपीस होता है वो आपका एक पोजिशन पर फिक्स्ड रहता है, और हम ग्राइंडिंग व्हील को जो है रोटेट करते हैं उसके अंदर, जिससे क्या है जो इंटरनल सरफेस जो है वो मशीन्ड हो जाता है और मटेरियल आपकी छोटी छोटी चिप्स की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और उसको जो भी वर्कपीस होता है या जॉब होता है उसकी एक अच्छी फिनिश प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये होगा हमारे ग्राइंडिंग मशीन के जितने भी ऑपरेशन थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो से लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय।